मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चीफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, चीफ डिपार्टमेंट मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चीफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, चीफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, चीफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, 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 बीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हमें क्या चाहिए पानी, हमें क्या चाहिए पानी, बीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बीएचई डिपार्टमेंट। गायत्री देवी असें पानी मुझे असें पानी बड़ी समस्या है, पानी मार्च महीने पानी साढ़े बंद होता नलके, असें इं मार्च महीने को लेइए साढ़ा पानी तीन महीने का बंद है, तीन महीने बंद होता रहा पानी, असें मिलता नहीं पानी, अस कपड़े धोने तो मुश्किल, नहाना बच्चे तो मुश्किल, बड़ी मुश्किल है पानी, कई बार दरिया आखने बच्चे जाओ नहाई आओ तो कपड़े धोने तो बड़ी मुश्किल, तो भी अस दरिया जन्ने बोली जन्ने कपड़े धोन, इन्नी मुश्किल है पानी की, असें बड़े जो बरी गए अस फोन भी करने, बड़े बारी आखने पानी छोड़ो, फिर भी नहीं छोड़ दो पानी, असें मिलता नहीं पानी बिल्कुल भी, पीने नहीं मिलता, फिर ट्यूबवैल पर लिया जी स्कूटर मुड़े आने स्कूटर भी लियाओ वाटर कूलर भरी भरी बच्चे लिया, फिर हाँ जी हूँ जिन्ने चिर हल नहीं होया, कोई हल नहीं होया इन चिर कि खोलना, फिर मेरा नाम पूनम कुमारी, हाँ इस वास्ते बैठे दे कि सानू भैया पानी नहीं मिलता है, पानी की इन्नी मुश्किल है ना, असी सत्त दिन बाद हफ्ते बाद असी आटो करते हे और सारिया लेडीज असी दरिया जांदी हाँ कपड़े धोन, तुसीं दसो कि घरे दे काम करने जां असी कपड़े धोन जाना जां नहाण जाना, एक ट्यूबवैल पर जाते हे दो तीन वाटर कूलर लैन, वो भी भैया सिर ते नहीं आते, वो भी कुसे बच्चे दे तरले करते हे कि तुसीं चलो साढ़े नाल, असी जाइए उत्थे वो करने मतलब स्कूटर पर जाइए दो तीन वाटर कूलर पानी दे लैंदे, पूरा दिन चो वाटर कूलर पानी क्या होई जांदा पूरा, अगर इतना बाल लगा लगन तो भैया इतना किसी ने बाल नहीं लगन दिता, समस्या साड़ी चार महीने की है, मार्च महीने को लेकर अज तक पानी नहीं है पंपे च आए करता, तो तुम दसो कि बिना पानी तो टाइम पास करना है, इतना किन्ने बारी मीटिंग हुई है ट्यूबवैल पर जाइए भाई नहीं अज थोड़ा मसला हो जाता कल, और तुम दिखो ट्यूबवैल पर जाइए खुद दिखो कि किन्ने पाइप फटी दी ने, उन्हें भी नहीं कोई ठीक करे करता, ये थोड़ी गल होंगी है कि तुम तनखाव लेंदे हो तुम कुछ दिखते ही नहीं, और जनता सारी परेशान है, असं किधर जाइए, असं तो रोड ब्लॉक इन तक करना है कि जिन चर सा बाल नहीं लगा और जिन चर सू इंसाफ नहीं मिले, सू पानी आने चाहिए बस, असं कुछ कोई लीडरगिरी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, मतलब सू पानी मिलने चाहिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ, और हमारी वार्ड में दो ट्यूबवेल है, एक वार्ड नंबर राजबाग में है और एक पुराने बस स्टैंड पर है, लेकिन वार्ड नंबर 10 में दो ट्यूबवेल होने के बावजूद भी वार्ड नंबर 10 के लोगों को पानी नहीं है, ये मेरे साथ गौरव है, इनका घर वार्ड नंबर 10 में मतलब कि हमारा जो नीचे वाला मोहल्ला है पौधे की मंडी के साथ जुड़ता है, 10 साल से एक बूंद पानी भी इनके घर में नहीं आया, पिछले दिनों कुछ लोग पीछे जहां पे हमारा वार्ड नंबर 10 का एक कॉमन एरिया है वहां पे बाल लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बाल ठीक है उससे हमारे ऊपर वाले मोहल्ले की तो समस्या हल हो जाती थी,
लेकिन नीचे वाला एरिया जो था फिर से उससे वंचित रह जाता था, जहाँ पे गौरव का घर है वहाँ पे पादे की मंडी वार्ड नंबर 9 और 10 के लोगों को दोनों को पानी जाता है। हम नहीं चाहते कि इस तरह इस जगह पे पानी को ब्लॉक कर दिया जाए जिससे दूसरा वार्ड एक वार्ड को पानी मिले और दूसरा वंचित हो जाए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे चौक से ये जो हमारा वार्ड नंबर ये पार्लियामेंट वाला ट्यूबवेल है इसका पानी जो है वो शहर को जाए और वार्ड नंबर 10 का पानी हम कम से कम ये 2-3 हमारे जो मोहल्ले हैं टालीवाला मोहल्ला है यहाँ हमारे पास इन लोगों का मतलब कि स्लोप में वहाँ से पाइपें आ रही हैं और बड़े आराम से इनको पानी पहुँचना चाहिए। आज तक वहाँ पानी की कोई दिक्कत मतलब कोई सुविधा नहीं है, इतनी परेशानी है और दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ पानी नहीं है, चाहे वो ऊपरली साइड हो चाहे वो उस तरफ हो। कई लोग तो बोर निकलवा लेते हैं, हैंडपंप लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ अप्रैल मई और जून का महीना जब तक बरसात शुरू नहीं हुई होती नीचे ग्राउंड लेवल पे पानी नहीं होता, हैंडपंप भी सूखे होते हैं। उन दिनों हमारे मोहल्ले में अगर एक घर में पानी आता है तो 20 घर के लोग एक ही घर से पानी भर के अपने 2-2, 3-3 बाल्टियाँ वहाँ पर लेके जाते हैं और एक पूरा घर 3 बाल्टियों से चल सकता है। आप बताइए इतनी ज़्यादा समस्या है। आज हम दुखी होकर इतनी गर्मी में आपके पास पीएचई के अधिकारी भी अभी आए थे, क्या कह रहे हैं? पीएचई के अधिकारी कहते हैं कि हमारे देखिए इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास झूठे आश्वासन है। ये जी हम की स्कीमें जो हैं वो रूरल एरिया के लिए हैं जिसमें पैसे हैं, लेकिन अर्बन एरिया के लिए बड़ी मुश्किल है। इनको बताइए हमारे कहाँ से किस कौन से हेड से हमें ये पैसे देंगे और हमारा काम जो हमारी पाइपलाइंस हैं उनको बिछाएंगे किस तरह से, हमारा इनके पास क्या रोड मैप है हमें बताएं और हम अपना धरना ख़त्म करें। तो जो यही साहब आए थे पवन जी ने हमें कहा कि हम आज ही टेंडर लगवा लेते हैं, लेकिन उस वो 3-4 बार टेंडर हुआ है, 3-4 बार टेंडर हुआ किसी ने टेंडर ही नहीं डाला, टेंडर इसलिए नहीं डाला कि उसमें फंड्स ही नहीं है। अब हमें बताइए कहाँ से आप फंड्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे। सर हमारे ना पानी नहीं आया, 10 साल हो गए कम से कम, 10 साल हो गए पानी नहीं आया है। और हमारे मोहल्ले के लोग ना दूसरे मोहल्ले में जाते हैं पानी भरने के लिए, लेडीज़ पहले वो घर का काम करते हैं उसके बाद पानी भर देते हैं और आधा घंटा पानी नहीं आता है, रोज लड़ाई लगी होती है वहाँ पे, कोई बोलता हमें पानी दो कोई बोलता हमें पानी दो, बड़ी समस्या सर। बड़ी बार हमने प्रदर्शन किया हमारे मोहल्ले में डिपार्टमेंट के खिलाफ, लेकिन कोई हल नहीं हुआ उसका, और हमें पानी चाहिए बस सर। जब तक हमारा हल नहीं होता हम कैसे रोड खोलेंगे।